स्प्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट टूल्स, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और गुड इवनिंग एवरीवन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि ट्रेडिंग में जो बड़े लॉस होते हैं उसके पीछे फियर होता है। जो ग्रीड होता है वो भी फियर का ही एक रूप है। कुछ लोग बड़े बड़े प्रॉफिट में रुक नहीं पाते, वो भी एक फियर का ही रूप होता है। कुछ लोग बड़े प्रॉफिट में टारगेट आने के बाद भी कट नहीं करते, ग्रीड हो जाती है, वो भी एक फियर का ही रूप होता है। ग्रीड भी एक फियर का ही रूप है कि आज जो मिल रहा है पैसा ले लो, पता नहीं कल क्या होगा, और पहले पैसा जो गया हुआ है उसका इफेक्ट होता है। कई बार लोग स्टॉप लॉस कट नहीं कर पाते, वो भी एक फियर है, और कई बार लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे है पर यहीं पे कट कर देते हैं, जल्दी कट कर देते हैं स्टॉप लॉस, और फिर मार्केट यहाँ पे कट करने के बाद चला जाता है, तो ये भी फियर का ही रूप है। तो ये सारे फियर के रूप है, ग्रीड हो, जल्दी स्टॉप लॉस कट करना हो, लेट तक रुकना हो, एवरेजिंग हो, तो फियर फियर एक आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको रैंडम ट्रेडिंग करवाता है। सबसे बड़ा इमोशन है फियर, बिकॉज दिस फियर इज रिलेटेड टू योर कैपिटल, योर कॉन्फिडेंस, आपका हार्ड अर्न मनी। सो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी ये फियर आता है अनसर्टेनिटी से। फियर ऑलवेज कम्स बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने आपको जंगल का एग्जाम्पल दिया, वैसे और एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप में से कोई है जो, जैसे संजोग जी है, ठीक है ना, संजोग जी और मैं सपोज कॉलेज में थे, और संजोग जी नाउ डूइंग वेरी वेल और ही इज लाइक मिलियनियर है, और मैं एक नॉर्मल वर्किंग क्लास हूँ, उनका फ्रेंड हूँ। तो मैं जब भी जरूरत पड़ी संजोग जी से कुछ पैसा उधार मांगता हूँ, और संजोग जी बड़े मन से मुझे दे देते हैं 500 रुपया, 1000 रुपया, और मैं बोल देता हूँ कि मैं 6 दिन में वापस करूंगा, 10 दिन में वापस करूंगा, पर मैं हमेशा टाइम के पहले ही संजोग जी को पैसा वापस देता हूँ। तो अभी क्या हो गया, संजोग जी को मेरे प्रति एक विश्वास हो गया। तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर संजोग जी ने मुझे कुछ 500 1000 रुपये दिया और एक दो दिन मेरा फोन नहीं लगा, तो भी संजोग जी को टेंशन नहीं होगा, बिकॉज ही इज वेरी श्योर अबाउट मी। उल्टा अगर मेरे घर में शादी है, कुछ है, तो वो संजोग जी मुझे सामने से पूछेंगे कि नीलेश तुझे कुछ हेल्प चाहिए तो ले ले, पैसे का चिंता मत कर, मैं हूँ, क्योंकि ही हैज सो मच फेथ ऑन मी। मगर वही एक बार हम दोनों दोस्त है, राइट? तो एक बार मैं और संजोग जी एक बार इस एक चाय पीने के लिए एक बार कोई टपरी पे मिले, टपरी पे खड़े, और उतने में हमारे कॉलेज का एक पुराना लड़का जो कॉलेज में था, बहुत बहुत टपोरी था, हमारे साथ नहीं था, बहुत अय्याशी था, वो अचानक आ गया। तो उसको पता है कि संजोग जी जो है वो मिलियनर है, तो संजोग जी से पूछने लगा कि अरे मुझे थोड़ा सा हेल्प कर देना, 4-5 हज़ार रुपये चाहिए और मैं तेरे को वापस कर दूंगा ये वो। तो संजोग जी का रिएक्शन क्या होगा, संजोग जी बोल देंगे मेरा वॉलेट घर पे रह गया, या मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है, जीपे नहीं चल रहा है, ऐसे कुछ बोल के बहाना करके हम दोनों खिसक जाएंगे, बिकॉज इनको यहाँ पे कोई फेथ नहीं है, उनको लगता है मेरा पैसा डूब जाएगा। मार्केट में भी जब आप आते हो तो आपके मन में काफी अनसर्टेनिटी रहती है कि मेरा पैसा चला तो ना जाए, तो आप कोई ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढना चाहते हो, कोई टेक्निक ढूंढना चाहते हो, कोई टेलीग्राम चैनल ढूंढना चाहते हो, कोई लेवल या कोई डिमांड सप्लाई टेक्निक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हो जिसको पकड़ के आपको श्योरिटी चाहिए कि पैसा बनेगा ही बनेगा। मगर आपके ध्यान में पहले पहले ये नहीं आता है कि इसमें से कोई भी चीज है, कोई भी फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सेट ऑफ रूल्स है, दैट विल वर्क आउट ऑफ 100 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 टाइम्स चलेगा, कितना भी बढ़िया फॉर्मूला होने दो, और 30 से 40 बार नहीं चलेगा।
और ये जो सीक्वेंस है चलने का और ना चलने का, ये कंप्लीटली रैंडम है। हो सकता है कि पहली 4 या 5 बार नहीं चले। तो अगर ऐसे हो गया तो आपके मन में अनसर्टेनिटी है, और आप क्या करोगे, आप दूसरी सिस्टम पे चले जाओगे, तीसरी सिस्टम पे चले जाओगे, चौथी सिस्टम पे चले जाओगे। दिस इज कॉल्ड सिस्टम हॉपिंग। भले ये पैसा देने वाला है, बट आप डर गए ऑलरेडी, आपके मन में फियर आ गया। तो ये फियर अनसर्टेनिटी की वजह से क्रिएट होता है, और हमें ये अगर फियर निकालना है तो हमें रैंडम ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा। वी नीड क्लियर कट क्लैरिटी। जो हम करते हैं उसके बारे में कुछ तो क्लैरिटी होनी चाहिए हमें, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो हमें एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ता है। आई एम गोइंग टू शो यू द ट्रेडिंग प्लान। एक इंट्राडे का भी दिखाऊंगा, स्विंग का भी दिखाऊंगा, बट वी शुड हैव अ क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान जिसमें हमें सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हम क्या कैपिटल लेके ट्रेड कर रहे हैं, हम कितना रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हैं, हम सिलेक्शन किस बेसिस पे कर रहे हैं, हमारा एंट्री करने का रीजन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, हमारा टारगेट लगाने का क्राइटेरिया क्या है, हमारा स्टॉप लॉस लगाने का क्राइटेरिया क्या है। ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए एडवांस लेवल पे। ये भी क्लियर होगा कि बीच में न्यूज आया तो क्या करोगे, बीच में अगर आपको आपके साइड चला जा रहा है तो क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, स्केल इन करनी है या स्केल आउट करनी है। यानी आप सपोज एक ट्रेड ले लिए और आपके साइड चला जा रहा है, तो आपको 40 का स्टॉक है, तो 40 का 30, 30 का 20 करना है या 40 का 50, 50 का 60 करना है। ये सारे रूल आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर आएंगे। तो ट्रेडिंग प्लान इज नथिंग बट योर एसओपी, राइट? इट इज योर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको एसओपी बोलते हैं। कोई भी आईएसआई सर्टिफिकेट जो कंपनी में मिलता है, आईएसआई सर्टिफिकेट आपने सुना रहेगा, राइट? आईएसआई सर्टिफिकेट कंपनीज को दिया जाता है, तो इसके लिए प्रोसेस चेक की जाती है कि वो कंपनी प्रोसेस क्या फॉलो करती है। प्रोसेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई कंपनी अपने कंपनी में जो भी प्रोसेस हो रहे, मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी को हायर करना हो, किसी को सैलरी देना हो, जो भी प्रोसेस है, वो अगर इतना ठीक से कर रही है, तो उसका मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स है या उसके जो सर्विसेस है उनमें भी क्वालिटी होगी। दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक ना। आईएसआई सर्टिफिकेट, आईएसआई मार्क होता है ना, कोई कंपनी को आईएसआई सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो इस आधार पे मिलता है कि इनकी इनकी प्रोसेस कैसी है। तो ये जब तक हमारे पास क्लियर कट नहीं होगा ना, तब तक हम बहुत ही इमोशन के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। कभी मैंने बाय किया, कभी सेल किया, कभी मुझे लगा इसके लिए बाय किया। अभी उसके उसके नुकसान भी बहुत है। एक तो नुकसान यह है कि अगर इसके बिना ट्रेड करते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सुधर रहा है, खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा अगर हम इस तरह से ट्रेड नहीं करेंगे तो। इतने ना मुझे वो कहाँ चला गया यार। एक्चुअली ना इन्होंने ये सेट चीजें बहुत चेंज की है, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ अलग ही दिख रहा है अभी यहाँ पे मुझे। हाँ ठीक है। तो सपोज मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि दो इंसान है, ठीक है, और ये दोनों इंसान एवरेज चढ़ रहे, एवरेज चढ़ रहे, ये एवरेस्ट है, ये एवरेस्ट है, ये समिट है, एवरेस्ट का समिट है ये। एक इंसान है जो यहाँ पे चढ़ गया, यहाँ तक पहुंच गया, बट उसके पास, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है वो कहाँ पे है, उसको पता नहीं कि कहाँ पे है, कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके, उसको पता नहीं कि वो कहाँ पे इस वक्त, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। सो उसके मन में अनसर्टेनिटी रहेगी, मैं कहाँ पे हूँ, और कितना भी कोशिश करेंगे उसके मन में जो डर रहेगा उसकी वजह से इतना पास होते हुए भी पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज उसके मन में अनसर्टेनिटी है।
तो वो तो निकल ही आएगा वापस। हो सकता है कि 4 फीट दूर था समिट से फिर भी वापस आया, बिकॉज ही वॉज नॉट सर्टन कि कहीं यहाँ पे तो नहीं हूं मैं। मगर दूसरा इंसान है जिसको पता है कि वो यहाँ पे है, बहुत बेस बेस लेवल पे है, बट ही नोज कि मैं एग्जैक्टली ये बेस लेवल पे हूँ। सो देन ही कैन प्लान कि यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर पहुंचना है। तो ही कैन हैव अ क्लियर कट प्लान। जिस इंसान को पता ही नहीं रहता है उसका ए कहाँ है, वो बी को कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। जिसको ए पता है, उसको स्टार्टिंग पता है, वही एंडिंग को पहुंच पाएगा। तो इसलिए ट्रेडिंग प्लान क्या करता है, आपको बड़ी क्लैरिटी देता है कि आप क्या कर रहे हो। अभी इसके इसके कई फायदे हैं। इसका एक तो फायदा है आपको क्लैरिटी मिल गई, क्लैरिटी मिल गई तो आपकी अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, तो फियर कम हो गया। दूसरा फायदा यह है कि अगर सपोज आप 25 ट्रेड करोगे, 30 ट्रेड का एक साइकिल करोगे, जैसे मैंने बोला था आपको कि आप एक साइकिल करोगे, राइट? तो जब आप एक साइकिल करोगे 25 ट्रेड का, 25 ट्रेड्स का एक साइकिल करोगे, सपोज करो इसमें आउटपुट क्या होगा। लोग बहुत टेंशन लेते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बर्बाद तो कंफर्म नहीं होंगे, आप सिस्टमेटिकली ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका कैपिटल तो नहीं खाने वाला है मार्केट, ये तय है। और आप सीखोगे वो भी तय है। तो यू विल एवरी ट्रेड, इसमें से हर ट्रेड में यू विल आइदर अर्न मनी और अर्न एक्सपीरियंस। एंड समटाइम्स बोथ। कभी कभी मार्केट खुश है तो दोनों दे देगा, बट आइदर पैसा मिलेगा, एक्सपीरियंस तो मिलने वाला है। आप हर एक ट्रेड में, हर एक ट्रेड आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाला है। आपके बारे में सिखाएगा, मार्केट के बारे में सिखाएगा, आपके बारे में सिखाएगा, सिस्टम के बारे में सिखाएगा। 25 ट्रेड में बुरे से बुरा क्या होगा, आपका कैपिटल है सपोज 10,000, बुरे से बुरा ये हो जाएगा कि 8,000 हो जाएगा, अच्छा से अच्छा हो जाएगा कि 13,000 हो जाएगा या 12,500 हो जाएगा। उससे ज्यादा कुछ प्रलय नहीं आने वाला, सुनामी नहीं आने वाली। बट द नॉलेज जो आप यहाँ पे आप जो जर्नलिंग करते हो, पहले तो आप चेकलिस्ट बनाते हो ना, इसमें आप एक ट्रेडिंग प्लान के बाद एक उसमें चेकलिस्ट भी रहता है। चेकलिस्ट का मतलब आप एंट्री करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, कि चलो ये 1 आवर में सिलेक्शन हो गया, ये लास्ट लेवल का ब्रेकआउट हो गया, तो अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरा टारगेट पे पहुंच गया, अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो चेकलिस्ट इज लाइक सीट बेल्ट। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में जाने के बाद कई बार हम भटक जाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ललचाता है, गलतियां करवाता है, तो चेकलिस्ट होना जरूरी है। कुछ महीने पहले तक मैं ये कहता था, इवन वेबिनार में भी कहता था कि चेकलिस्ट कुछ महीने ही आपको यूज करना है, जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर मैंने एक बहुत बड़े ट्रेडर जो लाइक 70-75 ईयर्स के ट्रेडर है और बहुत सालों से 30-35 साल से ट्रेड करे यूएस में, उनका इंटरव्यू देखा मैंने, तब मेरी समझ में आया कि वो आज भी चेकलिस्ट यूज करते हैं। तो इंटरव्यूअर ने उसको पूछा कि आप अभी भी चेकलिस्ट क्यों यूज करते हो, तो उन्होंने बोला जो मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, व्हाई शुड आई चेंज दैट। मेरे लिए अगर वो चेकलिस्ट 30 साल काम कर रहा है तो मैं उसको क्यों चेंज करूं। क्योंकि चेकलिस्ट मुझे बहुत फोकस रखता है, चेकलिस्ट हर एक चीज में होती है। जैसे आप बैंक में कैशियर करके लग गए, कैशियर का जॉब मिल गया, तो आपका काम होता है पहले आने के बाद पहले कैश चेक करना, कैश टैली करना, क्योंकि आपको अभी वो कैश का आपका जिम्मेदारी है। उसके बाद आपको कोई पैसा मांगने को आता है तो पैसा देना है बेरर से, कोई पैसा जमा करे तो पैसा जमा करना है, ईमेल चेक करना है, बॉस को रिपोर्ट करना है, वापस शाम को कैश टैली करना है। तो आपका एक एसओपी होता है, प्रोसेस होता है, वैसे ही चेकलिस्ट है कि मुझे ट्रेड लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं। वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप भटक के बीच में ऐसा ना हो कि चलो मुझे लग रहा है मैंने तो लॉन्ग लिया ट्रेड, पर बीच में मुझे लग रहा है नहीं अभी पूरा कुछ तो कहानी आ गई है, वो गाजा का वॉर चालू हो गया, अभी मैं शॉर्ट कर दूंगा बैंक निफ्टी, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस लग रहा है तो स्टॉप लॉस लगने दो, टारगेट लग रहा है तो टारगेट लगने दो। अभी पहला जो 25 ट्रेड है मैं सीखने के लिए आया हूँ,
एक दो साइकिल तो मुझे पैसा कमाने का सोचना भी नहीं है, अगर मिल गया अच्छा चीज है, पर मैं सिस्टमेटिक बनूंगा, क्योंकि एक बार सिस्टमेटिक बन गया तो पैसा मेरे पीछे आएगा। तो अभी ये 25 ट्रेड जब मैं करूंगा तब मेरे पास डेटा बनेगा, काफी अच्छा काफी बढ़िया डेटा बनेगा। दो टाइप का डेटा बनेगा, एक तो बनेगा माइंडसेट का डेटा, एक बनेगा मेरा जर्नल। माइंडसेट का डेटा मुझे ये बताएगा कि जब बीच में 25 ट्रेड के बीच में जब लूजिंग स्ट्रीक आया था दो चार बार, तो मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। क्या मेरे मन में आ रहा था कि 10,000 का 5,000 कर दूं, क्या मेरे मन में विचार आ रहा था कि दूसरा कोई ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड कर दूं, क्या मेरे मन में विचार आ रहा कि 2-3 दिन ट्रेड ही ना करूं, इसका उल्टा करके देखूं, मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, क्या मैंने उस विचारों को किस तरह से टैकल किया। बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट यू, आपको खुद को कैसे कंट्रोल करना है, दैट इज ट्रेडिंग, बाकी कुछ नहीं है। आप कभी भी मार्केट में कोई प्राइस ट्रेड नहीं करते, आप आपका विश्वास आपका बिलीफ सिस्टम ट्रेड करते हो। तो माइंडसेट डायरी आपको ये बताएगी, और जो टेक्निकल जर्नल है जो टेक्निकल जर्नल आप लिख रहे हो, जिसमें फोटोज भी रहेंगे, यू विल हैव फोटोज ऑल्सो ना, फोटोज भी रहेंगे, ये आपको बताएगा कि आपका बेस्ट विनर कैसे होता है, आपका आपका लूजर कैसे होता है, आपका बेस्ट विनर कैसे होता है। अगर निफ्टी स्ट्रांग है तो उस दिन आपकी सिस्टम कैसे चलती है, निफ्टी वीक है तो आपकी सिस्टम कैसे चलती है, रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 है तो 3-1 रखूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने शाम तक छोड़ दिया तो क्या होगा, कि शाम तक छोड़ दिया जो होना है होने दो तो क्या होगा, अगर मैंने 2-2-1 या 3-2-1 के बाद में 9 AM यूज करके उसको जब तक बहुत स्ट्रांगली चल रहा है तब तक लिया, उसके बाद छोड़ दिया तो क्या होगा, ये सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का डेटा बनना चाहिए ना, तभी आपको समझेगा कि आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है। जैसे कि अभी मैं 20 साल से कंप्यूटर बेच रहा हूँ, मैं मेरे शॉप में बैठा हूँ, स्टोर पे बैठा हूँ, तो मेरे पास जो डेटा है मुझे बताएगा कि क्या मेरे शॉप में आसूस के लैपटॉप ज्यादा जाते हैं या लिनोवो के ज्यादा जाते हैं कि एचपी के ज्यादा जाते हैं, मेरे पास जो कस्टमर आता है वो क्या पूछता है, उसको सर्विस की जरूरत है रिपेयर की जरूरत है। तो ये सारा नॉलेज जो बना है दैट इज गोइंग टू हेल्प मी टू मूव फॉरवर्ड। आपका भी ये बिजनेस है तो आपके पास एक प्लान है, अभी आप ये प्लान मार्केट में डाल रहे हो, इसको बार बार चेंज करने का सवाल ही नहीं आता। जैसे अभी मैंने फेस्टिवल का एक ऑफर लगा दिया, फेस्टिवल का एक बैनर लगा दिया कि नवरात्रि से क्रिसमस तक मेरे यहाँ पे फेस्टिवल का बैनर है, तो वो 3 महीने के लिए रहेगा, अक्टूबर जो भी है 15 तारीख से इट विल बी अप टू 1 जनवरी, 2.5 महीने के लिए रहेगा, रोज रोज थोड़ा ही चेंज करेंगे और फिर देखेंगे उसमें नेक्स्ट ईयर क्या बेहतर कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क बिजनेस की तरह। तो ये जो दोनों चीजें हैं आपको जो आउटपुट देगी उसमें से आपकी फिर नेक्स्ट साइकिल होगी, नेक्स्ट साइकिल में यू विल ऑब्वियसली हैव मोर लर्निंग है आपके पास, तो आपका सेकंड साइकिल जो होगा वो इससे बेहतर होगा, फिर आपका थर्ड साइकिल होगा इससे बेहतर होगा। जनरली 2-3 साइकिल में आप एक पर्टिकुलर सिस्टम में बहुत अच्छा करने लगते हो और इनकम भी चालू हो सकता है छोटे बेसिस पे, देन धीरे 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 आप इनकम बढ़ा सकते हो। तो अभी ये सारी चीजें हमें एक्चुअल में अगर देखनी है तो पहले तो ट्रेडिंग प्लान, अभी ट्रेडिंग प्लान कई है, मैं आपको अभी इंट्राडे सिस्टम जो हम यूज करते हैं उसका ट्रेडिंग प्लान, अभी आप सिस्टम समझने की कोशिश मत करो इस आज के लेक्चर में, आप साइकोलॉजी का लेक्चर है तो आप साइकोलॉजी के हिसाब से समझो कि ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होता है वो समझो, वो सिस्टम क्या है उसके लिए अलग लेक्चर होगा, ठीक है ना। सिस्टम तो आपको पता भी होगी बट ध्यान इस पे दो कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान लिखा है उसके ऊपर ध्यान दो। पहले तो मैंने लिखा है कि मार्केट कौन सा है, ओके, उसके बाद में कैपिटल, ये नए लोगों के लिए 5,000 10,000 कैपिटल, तो 50,000 100 रुपये का रिस्क लेना है, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में ट्रेड करना है, टाइम फ्रेम कौन सी है, 1 आवर एंड 5 मिनट है,
रिवॉर्ड टू रिस्क मिनिमम 2:1 है पहला साइकिल में। स्टॉप लॉस आपको ये लेवल के पीछे लगाना, देखो यहाँ पे लेवल के पीछे लगाना है। ओके, उसके बाद में सिलेक्शन कैसे करोगे, तो आवरली में अगर 10 और 20 EMA के ऊपर है तो हम इस तरह से, 10 और 20 के ऊपर है कैंडल तो हम आवरली में सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग के लिए, इस तरह है तो शॉर्ट के लिए। अभी आपको अगर EMA ये चीजें नहीं पता, अभी आप सपोज अभी अभी ज्वाइन हुए कल परसों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये लिखित रिटर्न में होना चाहिए। आप अगर सिलेक्शन का आपका कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला, तो वो रिटर्न में होना चाहिए कि लॉन्ग का क्राइटेरिया क्या है, शॉर्ट का क्राइटेरिया क्या है, या आप बोल सकते हो कि स्ट्रांग और वीक का क्राइटेरिया क्या है, रिटर्न में होना चाहिए। आपकी जो लेवल है वो भी फिक्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि ये लेवल होगी, मुझे लग रहा है कि ये लेवल होगी या ये लेवल होगी, ऐसे नहीं। अगर हाई बोला तो हाई, लास्ट 45 मिनट का हाई बोला तो हाई, लो बोला तो लो, जो भी है वो क्लियर कट होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में ये आपकी चेकलिस्ट भी हो गई कि आपको पहले ये देखना है कि आवरली में फॉर्मूला क्या है, ब्रेकआउट रिवर्सल हो रहा है क्या, फिर ट्रेड ले लो और स्टॉप लॉस लगाओ। तो ये आपकी SOP हो गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हो गई, तो ये आपका ट्रेडिंग प्लान हो गया। अभी इसको ये इमेज की तरह इमेज भी डालना है, इसमें इमेज भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इमेज रहेगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही आई विल शो यू स्विंग का, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग में ऑब्वियसली आपको सिर्फ डेली में सिलेक्शन करना है और शॉर्ट ट्रेड नहीं होता, शॉर्ट ट्रेड नहीं होता। तो वापस एक बार मैं मार्केट लिखूंगा, कैपिटल लिखूंगा, 30,000 लिया है, निफ्टी 100 में कर रहा हूँ, डेली और आवरली यूज कर रहा हूँ, और वीकली लेवल मार्क कर रहा हूँ, ये सारा कुछ लिख के निकाला। तो ये मेरा बहुत क्लियर कट है कि मुझे क्या ट्रेड करना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मेरा जो निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग है, तो उसकी मेरी जो सिस्टम है, मेरी जो स्टाइल है, वो बहुत क्लियर है कि बाबा ये निफ्टी है। एक तो मेरा व्यू रहता है कि निफ्टी पॉजिटिव है निगेटिव है। सपोज मेरा व्यू पॉजिटिव है बट आज निफ्टी गिर रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज सुबह सुबह आज किसी ने पूछा था कि आप सुबह लड़की को छोड़ने को जाते हो तो आपको नहीं लगता कि आप मिस कर देते हो ट्रेड? मुझे कुछ नहीं लगता कि मैं मार्केट मेरे लिए, मैं मार्केट के लिए नहीं हूं, मार्केट मेरे लिए एक इनकम सोर्स है, मार्केट मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, पर मैं मार्केट के लिए नहीं हूं, मैं मेरे फैमिली के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए हूँ, ठीक है ना? मैं मार्केट के लिए नहीं हूँ, मार्केट एक रास्ता है जहाँ पे इनकम क्रिएट हो सकता है। तो अगर मुझे, मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे मेरी लड़की को छोड़ने को जाना है, तो दैट इज माई प्रायोरिटी। आई डोंट केयर कि यहाँ पे 2 लाख का ट्रेड आके जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि वो कल भी आएगा। अगर मैं किसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ तो मुझे उसी चीज पे फोकस करनी है, दूसरी चीज के क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना। सपोज ये निफ्टी इस तरह से आज बंद हुआ है और मेरा व्यू पॉजिटिव है, तो मैं क्या कहता हूँ कि आपको ये हाई मार्क करना है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल इन प्ले मार्क करनी है, और फिर एक तो ब्रेकआउट लेना है या तो रिवर्सल लेना है। ये मेरा सिंपल प्लान है, जैसे निफ्टी का मेरा जब प्लान आप समझोगे तो उसकी जो क्लैरिटी है वैसी ये स्विंग की क्लैरिटी, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एक तो मुझे ब्रेकआउट लेना है या रिवर्सल लेना है, बस, और कुछ नहीं करना है, तीसरा कुछ करना नहीं है मुझे, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये हो गया ट्रेडिंग प्लान, ये हो गई आपकी चेकलिस्ट। अभी इसके बाद आ जाता है आपका जर्नल, जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल में आप डेटा स्टोर करते हो, जर्नल में आप डेटा स्टोर करते हो, और इसलिए वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या क्या डालना है। आपको एक तो कैपिटल डालना है, आप कितने का रिस्क ले रहे हो वो डालना है, आपको ट्रेड का सीरियल नंबर डालना है, आपको डेट डालनी है, एंट्री टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री टाइमिंग, स्क्रिप्ट डालना है,
लॉन्ग है या शॉर्ट है, क्वांटिटी क्या है, एंट्री कहाँ कर रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है, राइट right? उसके बाद अगर 3-2-1 रिवॉर्ड टू रिस्क कहा हो तो क्या होगा, अगर फोर शाम तक छोड़ दिया तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको सिनारियो आप नोट कर सकते हो। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड ले लिया और आपका प्राइस है 500, ठीक है, आपने 495 का स्टॉप लॉस लगाया, तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है ना, तो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 का मतलब है 510। रिवॉर्ड टू रिस्क 3-2-1 का मतलब है 515। यस यस श्योरली सर, श्योरली। ओके तो आपको, आप भले ये ट्रेड कर रहे हो 30-25 ट्रेड के लिए, ये ट्रेड कर रहे हो आप 25 ट्रेड के लिए, ये ट्रेड कर रहे हो, मगर आपको ये नोट करना है कि अगर 3-2-1 हो तो क्या होगा, ये आपको लिखना है। 3-2-1 हो तो क्या होगा, ये आपको लिखना है, और आपको ये फोटो भी स्टोर करनी है, ये फोटो भी स्टोर करनी है। इस तरह से आप क्लिक करोगे तो फोटो ओपन हो जाएगा, बस आप क्लिक करोगे तो फोटो ओपन हो जाएगा, आप क्लिक करोगे तो फोटो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको ये जर्नल जर्नल क्रिएट करना है, पूरा जर्नल क्रिएट करना है, और ऑब्जर्वेशन और माइंडसेट डायरी में आपकी ऑब्जर्वेशन, जैसे यू कैन से निफ्टी वॉज वेरी पॉजिटिव एंड ट्रेंड स्टॉप एट डेली रेजिस्टेंस, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, माइंडसेट थॉट कि आफ्टर रीचिंग टारगेट आई वॉज रिलक्टेंट टू टेक प्रॉफिट, मुझे और प्रॉफिट चाहिए था, मैं सोच रहा था कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए, ऐसे जो भी आपके मन में रहेगा, जो भी आपका फियर रहेगा, ग्रीड रहेगा, वो लिख के निकालना है। दैट इज योर अनदर वे ऑफ माइंडसेट डायरी। आपको और एक रास्ता दिखाता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कि आप आपका जो आपके जो आप एक काम कर सकते हो उसमें, कि आप खुद को स्टार दे सकते हो, कि आपके हिसाब से 10 में से किस तरह कितने स्टार दोगे आप, कि आपने अगर, या आप सिंपल चीज कर सकते हो कि अगर आपने कोई साइकोलॉजिकल मिस्टेक नहीं किया, साइकोलॉजिकल मिस्टेक यानी कि आपने स्टॉप लॉस नहीं बाद में चेंज किया, टारगेट में कुछ चेंजेस नहीं किया, आराम से ट्रेड किया, आपने कुछ साइकोलॉजिकल एरर नहीं किया, तो आप खुद को 1 स्टार दोगे, ठीक है, 1 स्टार दोगे। मगर अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो आप खुद को -2 स्टार दोगे, -2 स्टार दोगे। फॉर सम रीजन वो माइनस नहीं लिख रहा है, राइट, -2 स्टार दोगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप आपके जो आपका जो ट्रेड है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कि एक है एंट्री पार्ट या सिलेक्शन सिलेक्शन, दूसरा एंट्री, तीसरा ट्रेड मैनेजमेंट, और चौथा एग्जिट, ठीक है। और आप हर एक ट्रेड को आप हर एक चीज को मार्क दे सकते हो अलग से, कि आउट ऑफ 5 सिलेक्शन को आउट ऑफ 5 कितने मार्क दोगे आप, फॉर सम रीजन।
5 में से कितने मार्क दोगे आप? कि सिलेक्शन, मैंने क्या बोला आपको कि आपको जब सिलेक्शन करना है तो आपको देखना है कि ये बहुत अच्छा एंगल है, बहुत अच्छा एंगल है, पर हो सकता है कि आपने थोड़ा 19-20 एंगल लिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ठीक है चलो मेरा एंगल उतना अच्छा नहीं है, 3 out of 5, इट इज परमिटेड, इट इज ओके, बट यू शुड बी नोइंग कि आगे समझेगा जाके कि आप 5 out of 5, जब ये टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा माइंडसेट नहीं टेक्निकल हो गया, जब परफेक्ट सिलेक्शन है तो क्या रिजल्ट आता है वो आपको समझेगा, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। अभी ये जो तीनों चीजें हैं वो पूरी माइंडसेट की है कि एंट्री करते वक्त जब आप एंटर कर रहे थे क्या आपको फोमो हो रहा था, अरे दूर जा रहा है दूर जा रहा है, आपने भागते हुए ट्रेड में एंट्री किया, गलत एंट्री किया, या आपको हेजिटेशन हो रहा था, आपने अर्ली एंट्री किया, जल्दी एंट्री कर लिया, तो आपको फिर आप खुद को -2 मार्क देना है। अगर आपने ट्रेड जब चालू था तब आपने कोई डर के मारे जल्दी कट नहीं किया, आप पूरा टाइम रुके रहे, आपने स्टॉप लॉस मूव नहीं किया, टारगेट नजदीक नहीं लाया, तो आपको पूरा 1 मार्क देना है। अगर आप एग्जिट के टाइम आपके मन में कुछ फियर आया, ग्रिड आया, आपने टारगेट जल्दी क्लोज कर दिया, क्या किया, तो आपको खुद को -2 देना है। जैसे होता है ना कि आपने ये सपोज आपने ये ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपने ये टारगेट रख दिया, अभी दोपहर के 2-2:30 बजे यहां तक आया और अभी घूम रहा है, यहां तक आया अभी घूम रहा है, अभी आप खुद को समझाओगे नहीं अभी ये छोड़ने में ही समझदारी है और यहाँ पे कट करोगे, इतना तो बच गया है मेरा ना, बट आपने एक रूल डिसाइड किया है पहली साइकिल के लिए कि एक तो यहाँ या तो फिर यहाँ, एक तो इधर या तो इधर, मेरा रूल है पहली साइकिल के लिए। ये बाद में डिस्क्रिशन ठीक है कि बाबा ये घूम रहा है मैं काटूंगा, बट अभी मैं खुद को रेडी कर रहा हूँ, खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, खुद के माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ, तो या तो इधर या तो इधर, तो मैं इसको पहली साइकिल में कट नहीं करूंगा, यहां से वापस आके जब हिट करेगा तो भी मेरी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस ही होगी, मेरी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस ही होगी ना, और क्या होगा, क्योंकि ये कभी ना कभी लाइफ में होने वाला है। अगर मैं ये 100 रुपए के लिए झेल नहीं सकता तो 10 लाख के लिए कैसे झेलूंगा, ये लाइफ में कभी ना कभी होने वाला है, अगर 100 रुपया नहीं झेल सकता तो 10 लाख क्या झेलूंगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ नाउ। तो इस मोमेंट में आपने क्या किया, तो दैट इज वॉट यू हैव टू राइट इन दिस कॉलम। अगर आपने उसको खुद को मैनेज किया देन यू कैन गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप 40, 50, 60, 70 ट्रेड करोगे ना, तो आपको इसमें से रिव्यू मिलेगा, एक तो आपको समझेगा कि इफ सिलेक्शन इज क्वालिटी 5 out of 5, रिजल्ट क्या है, इफ सिलेक्शन क्वालिटी इज 1 out of 5 या 2 out of 5 तो रिजल्ट क्या है। क्वालिटी 5 out of 5 का मतलब क्या है कि मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया, मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया और जैसे हमने डिसाइड किया था बिल्कुल वैसा ही है, तो दिस इज 5 out of 5, दिस इज 5 out of 5 सिलेक्शन, ओके, एंड नया इंटरफेस है इसलिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। दिस इज यू कैन से
टू आउट ऑफ फाइव, क्वालिटी वाइज, क्वालिटी वाइज इस ये सिलेक्शन थोड़ा सा साइडवेज है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा प्लान क्या है, हमारा रूल क्या है कि ये इस तरह से होना चाहिए तो अच्छा है, जितना अच्छा रहेगा उतना, जितना एंगल रहेगा उतना अच्छा है, जितना एंगल रहेगा, शार्प एंगल चाहिए, तो हमेशा नहीं मिलेगा ना, तो ये दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव, फाइव आउट ऑफ फाइव, राइट। मगर मार्केट में आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा वाला भी लेना पड़ेगा कभी कभी, दिस इज टू आउट ऑफ फाइव। तो जब आपके पास डेटा बनेगा तो आपको समझेगा कि फाइव आउट ऑफ फाइव वाले जो ट्रेड है उनका परफॉर्मेंस टू आउट ऑफ वाले फाइव ट्रेड से अच्छा है बुरा है। ये नॉलेज आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि आप जर्नल में स्टोर कर रहे हो, आप जर्नल में ये स्टोर कर रहे हो कि सिलेक्शन क्वालिटी कैसी है, सिलेक्शन क्वालिटी आप स्टोर कर रहे हो, तो आपके पास वन आउट ऑफ फाइव के 15-20 ट्रेड होंगे, टू आउट ऑफ फाइव के 15-20 ट्रेड होंगे, थ्री आउट ऑफ फाइव के 15-20 ट्रेड होंगे, फाइव आउट ऑफ फाइव के 15-20 ट्रेड होंगे। सो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि क्या इंप्रूवमेंट सिलेक्शन से इंप्रूवमेंट हो रहा है रिजल्ट। जब आपको 20-25 ट्रेड हर एक के हो जाएंगे तभी समझेगा, अभी नहीं समझेगा, और इंप्रूवमेंट जरूर होगा, फाइव आउट ऑफ फाइव, फोर आउट ऑफ फाइव वाले ट्रेड ज्यादा चलेंगे। उसके बाद आपको इससे समझेगा, इससे आपको ये समझेगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपका प्रॉब्लम एंट्री के टाइम है, ट्रेड मैनेजमेंट करने के टाइम आप कुछ गलतियां कर रहे हो, या एग्जिट के टाइम कर रहे हो, ट्रेड से बाहर आने के टाइम कर रहे हो। एक बार आपको प्रॉब्लम समझा तो आप जाके सोच सकते हो कि ये गलती मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, और फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का जर्नल बनाना, माइंडसेट डायरी लिखना और ये सारा इसके ऊपर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हम खुद को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में जैसे मैंने आप पहले भी आपको बोला है कि देर इज ओनली वन डिफरेंस, बिटवीन प्रो ट्रेडर एंड अदर्स, एक ही डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस, हाउ दे हैंडल लूजिंग स्ट्रिक और ड्रॉडाउन, एक ही चीज है, ठीक है। दैट इज ओनली वे, ओनली ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड ट्रेडर एंड अ बैड ट्रेडर, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हमेशा साइकल्स में सोचेगा, साइकल्स में सोचेगा कि मैं एक साइकिल कर रहा हूँ, डेटा बना रहा हूँ, उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट साइकिल में, उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट साइकिल में, मैं ट्रेडिंग प्लान बना रहा हूँ जिससे कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिकली ट्रेड करूँ, मैं चेकलिस्ट बनाता हूँ जिसके जिससे कि बीच में मेरा पैर फिसल ना जाए, मैं कुछ और ही ना कर बैठूं, मैं जर्नल बनाता हूं जिससे कि मुझे समझे कि ये जो सिस्टम या टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं वो किस तरह से चल रहा है मार्केट में, मैं माइंडसेट डायरी बनाऊं जिससे कि मैं समझूं कि जब लूजिंग स्ट्रिक आता है या विनिंग स्ट्रिक आता है तो मेरे मन में किस तरह के बादल गरजते हैं, मेरे मन में किस तरह के सुनामी आते हैं, तो मैं समझू उसको, क्योंकि इसको इसमें जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अभी सॉल्व करना बहुत जरूरी है इनिशियल फेज पे। तो मैं ये सारी चीजें करके मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ जो बिजनेस को इम्प्रूव करते जा रहा हूँ, ये है प्रोफेशनल की अप्रोच। तो उसको लूजिंग स्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक बिजनेस कर रहा है, वो समझ रहा है कि आज नहीं चला सिस्टम तो क्या फर्क पड़ेगा, बट एक आम ट्रेडर जो है वो उसको तो ये कुछ पता ही नहीं है, तो वो तो बहुत अलग टाइप से ट्रेड करता है, जो जनरल ट्रेडर है तो वो तो हर कोई सिस्टम, जब वो कोई भी सिस्टम सीखता है, जैसे आज मैंने एक टेक्स्ट डाला था कि 2,000 रुपये से ट्रेडिंग चालू करो, ये करो वो करो, तो एक मार्केट में एक सर्टेनिटी बेची जाती है कि आप मेरा कोर्स लगाओ या मेरा टूल ले लो या मेरा स्ट्रेटजी ले लो,
या मेरा टेलीग्राम चैनल में आ जाओ और पैसा कमाओ। तो मार्केट में ये कोई नहीं बताता कि बाबा तुझे कुछ काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर, तुझे सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा, ये मार्केट में नहीं बताते लोग। तो लोगों को क्या लगता है, उनको पता ही नहीं है ना उनकी क्या गलती है। तो लोगों को क्या लगता है कि उनको जो प्रॉफिट होने वाला है, दैट प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक, और बिकॉज ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल, और बिकॉज ऑफ दिस अल्गो। और जब प्रॉफिट नहीं होता है तो उनको लगता है कि इसका मतलब ये नहीं चलता है, मैं दूसरा ट्राई करूं। प्रॉफिट नहीं होता है, उनको लगता है ये नहीं चलता है, मैं दूसरा ट्राई करूं, ये नहीं चलता है, दूसरा ट्राई करूं। उनको तो यही बताया गया है ना कि इसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल बनोगे, उनको तो यही बेचा गया है ना, ये स्ट्रेटजी बेची गई है, ये टेलीग्राम चैनल बेचा गया है, अल्गो बेचा गया, स्ट्रेटजी बेची गई। तो वो अगर नहीं चलेगी तो दूसरे पे जाएंगे। पर जब तक उनको ये नहीं समझेगा कि ये सारी चीज चल सकती है, या रादर नहीं चलेगी जब तक वो खुद नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीजों में 60 to 70% टाइम चलेगी, 32% टाइम्स नहीं चलेगी, और लूजिंग स्ट्रीक आएगा। लूजिंग स्ट्रीक आएगा तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी सर में, और फिर आप सिस्टम चेंज कर दोगे लॉस करके। तो सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे परफेक्शन लाओ आपके बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर में, तो फिर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और ये भी चलेगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रो ट्रेडर एंड अदर्स, कि अदर्स ट्रेडर जो है ना लूजिंग स्ट्रीक कभी सह नहीं सकते, लूजिंग स्ट्रीक सह नहीं सकते। 3 या 4 लूजर आ गए तो फिर एकदम पगला जाते हैं, रिवेंज करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे, एवरेजिंग करेंगे और नया सिस्टम पे भाग जाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको पता है कि उसकी फर्नीचर की दुकान है, 1 महीना सेल नहीं हुआ, इसी को ठीक करना है। इसको लगता है कि बाबा मैं फर्नीचर की दुकान छोड़ के केमिकल फैक्ट्री खोलू, केमिकल फैक्ट्री छोड़ के आइसक्रीम का पार्लर छोड़ू, आइसक्रीम का पार्लर छोड़ के कपड़े का दुकान खोलू, मुझे पैसा चाहिए। तो आपको बेसिकली ये जो टूल्स है ना, वो टूल्स यूज करने ही पड़ेंगे, कि पहले आप सिंपल भाषा में आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान का मतलब आप जो आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो स्टाइल है ट्रेडिंग करने की, जो स्टाइल है वो लिख के निकालो, उसके एक दो फोटो स्टोर करो। उसके बाद में चेकलिस्ट, जैसे मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की भी बात करता हूँ, कि जैसे मैं मेरी बात करूंगा तो ये मेरा, मैंने आपको बताया कि मेरा एक फेवरेट पैटर्न है, कि अगर मार्केट स्ट्रांग है ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा ऐसा वीकली नीचे आ जाता है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मारता हूँ। एक बार मार्केट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना तो ये इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, 70-80% टाइम चलेगा ये स्टॉप लॉस, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। तो मैं इसका ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए ये 4 बार डायग्राम निकालूंगा, 4 फोटो डालूंगा, वो मेरा ट्रेडिंग प्लान। मैं चेकलिस्ट में लिखूंगा कि मुझे अप ट्रेंड चाहिए पहला पॉइंट, मुझे एक छोटा रिट्रेसमेंट चाहिए दूसरा पॉइंट, मुझे एक ट्रेंड लाइन चाहिए तीसरा पॉइंट, मुझे एक हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए ट्रेंड लाइन टूटने के बाद चौथा पॉइंट, मुझे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए पूरी पांचवा पॉइंट, उसके ऊपर एंट्री लेनी है 6 पॉइंट। ये मेरी चेकलिस्ट हो गई, ये है ओके, 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 चलो मैंने एंट्री कर दी। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो मेरी एंट्री नहीं होगी। मुझे अगर चाय बनाना है तो पहले एक बर्तन लेना है, उसमें चाय पत्ती डालनी है, उसमें शुगर डालनी है, उसको उबालना है, फिर उसमें दूध डालना है, पहले तो पानी डालना है और गैस भी लगाना है। तो वो गैस डाला, पानी नहीं डाला और गैस ही नहीं लगाया तो क्या फायदा है। तो जो भी ये प्रोसेस, पहले गैस लगाओ, फिर पानी डालो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर शुगर डालो, फिर उबालो, फिर ये डालो दूध डालो, फिर वो चाय को कप में ले लो, तो वो पूरी प्रोसेस है ना, तभी चाय बनेगी। वैसे ये पूरी प्रोसेस है। तो ये चेकलिस्ट, अभी ये जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ठीक है बाबा, चल मुझे कॉन्फिडेंस है, बैक टेस्टिंग है, एक्सपीरियंस है, फिर भी आई वॉन्ट टू इम्प्रूव ना,
क्योंकि मैं 2 to 1 पैसा निकाल सकता हूँ, हो सकता है कि मुझे 4 to 1 निकालने की कैपेसिटी है इसमें, हो सकता है 6 to 1 निकालने की कैपेसिटी है इसमें। तो जब मैं डेटा बनाऊंगा तभी मुझे समझेगा ना कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। चेकलिस्ट है ना इसमें सर, देखो ना ये चेकलिस्ट है, सिंपल चेकलिस्ट कुछ नहीं है, प्रोसेस है, चेकलिस्ट कुछ नहीं है। बाइक चलाने के लिए क्या करेंगे हम? बाइक का इग्निशन ऑन करेंगे, स्टैंड ऊपर करेंगे, गाड़ी न्यूट्रल में रखेंगे, फिर किक स्टार्ट करेंगे या तो बटन स्टार्ट करेंगे, फिर गियर डालेंगे क्लच दबा के, और फिर गाड़ी चालू करेंगे। 6 स्टेप हो गए, दैट इज योर चेकलिस्ट। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जब आप गाड़ी चालू कर रहे हो, चाय बना रहे हो, तो आप एक ही चीज कर रहे हो। मार्केट में क्या होता है, बहुत प्रलोभन होते हैं, आपको सब जगह ट्रेड दिखते हैं, दुनिया भर के लोग बात करते रहते हैं, टीवी चालू रहता है, इंटरनेट चालू रहता है, आपको पॉपअप आते रहते हैं, ग्रुप से आते रहते हैं, तो आदमी वहां पे बहुत झटके में दूसरा ही कुछ कर बैठता है जो उसको करना नहीं है। उसका कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इजीली निकल जाता है, वो करने को एक आया मार्केट में, दूसरा ही कर बैठता है। इसके लिए चेकलिस्ट इज लाइक योर सीट बेल्ट, वो जो बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में। तो बस प्रोसेस है कि क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं, वही चेकलिस्ट है और कुछ नहीं है। तो अभी मैं जर्नल, इसका भी जर्नल बनाऊंगा कि 4 to 1 में क्या होता है, 6 to 1 में क्या होता है, 2 to 1 में क्या होता है, जिससे कि मुझे समझेगा कि ये सिस्टम और कितनी बढ़िया हो सकती है। और अगर इसमें 4 या 5 लूजिंग स्टिक आने के बाद मेरे मन में क्या क्या ख्याल आए, मैं कितना पानी में हूं, ये सारा कुछ बताएगा माइंडसेट डायरी। तो सीखने के लिए यही है आज के लेक्चर में, कि आप कोई भी ट्रेडिंग करते रहोगे, किसी भी टाइप का ट्रेडिंग करते रहोगे, आपको ये सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे। मैं कुछ फॉर्मेट रात को डाल दूंगा, आप देख लो। आपको किसी को भी ट्रेडिंग प्लान बनाने में दिक्कत है तो मुझे बोलो, आई विल हेल्प यू। बट आप अगर बना बनाया ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहे हो जो कम्युनिटी में है तो वो ठीक है, अगर आप आपका कुछ करना चाहते हो तो हम ट्रेडिंग प्लान लिखेंगे, जर्नल बनाएंगे, एंड देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग। बट उसके बिना ट्रेडिंग करेंगे तो हमें डेटा नहीं बनेगा, डेटा नहीं बनेगा तो हमें पता नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा आगे का रास्ता क्या है। अगर आगे का रास्ता पता नहीं है तो मन में फियर आएगा, अगर फियर आएगा तो सारी गलतियां होगी, गलतियां होगी तो लॉस होगा बड़ा। तो इसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं अभी निकलूंगा, मैं 1 आध घंटे में पहुंचूंगा, लाइक 11 बजे में रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग एटलीस्ट सारे चेकलिस्ट जर्नल सब डाल दूंगा, और रिकॉर्डिंग अगर हो सके तो रात को डाल दूंगा। कल ट्रेड मैराथन में मिलेंगे हम। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अजय जी, अंजू जी, बाबा साहेब जी, भूपेंद्र जी, डेल से कौन है मुझे पता नहीं, एक बार बोला था किसी ने, एडवर्ड जी, गोपाल जी, काशीनाथ जी, सोनावल जी, मुकेश जी, पारस जी, प्रसाद जी, प्रशांत जी, रानी जी, दिनेश जी, रविंद्र जी, सलेहा जी, संदीप जी, संजय जी, संजोग जी, सुधीर जी, सुरेखा जी, नितिन जी, ओके, प्रेम सिंह जी है, प्रेम सिंह जी राइट, आपने बोला था। ठीक है, तो कल हम टाइमिंग, कल सुबह बोलता हूँ, 2-3 दिन टाइम का थोड़ा इश्यू है, बट कल मिलना है किसी भी हालत में। और एक मिनट मुकेश जी, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। जीटीटी ऑर्डर के बारे में, कल परसों में हमें जीटीटी ऑर्डर का सीख लेना है पूरा, जीटीटी ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। या मुकेश जी, आई विल टेक योर क्वेश्चन, 1 मिनट मुकेश जी। हाँ मुकेश जी बोलिए। नहीं, मुकेश जी को पूछना था शायद, मुकेश कुमार जी को पूछना था।
मुकेश जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुकेश जी। हेलो, मुकेश जी, मुकेश कुमार जी बोलिए ना, आपका माइक ऑन है, बोलिए सर। मुकेश जी, मुझे शायद आवाज नहीं आ रही। हाँ एक्चुअली ना देर इज सम बोलिए, इशू। अभी आ रहा है आवाज सर मुकेश जी। ओके ओके। एक्चुअली क्या है कि जो आपका जो मैराथन है या दूसरे जो आप वो करते हो, आई कैन नॉट टेक एट ऑल, क्योंकि मैं ऑफिस में होता हूँ। तो राइट, सिंपली मेरे को तो दो तीन चीजें आप बता दीजिए कि आफ्टर ऑफिस आवर्स मैं कर पाऊँ एंड आई कैन सिंपल डू स्विंग सम। स्विंग का स्विंग का सिंपल सिस्टम चालू कर दीजिए। जैसे हम शायद मिले थे ना अभी 2 4 दिन पहले। हाँ, तो मिले एक थे हम। स्विंग का एक सिंपल सिस्टम है जिसमें हम डेली में पहले ट्रेंड देखते हैं। आई विल शो यू। डेली में हम एक बहुत स्ट्रांग ट्रेंड, जिसका मैं सुबह लिस्ट भी डाल दूंगा, चलो, कि डेली में कौन सा स्ट्रांग है। तो डेली में 10 और 20 के ऊपर स्ट्रांग 2 4 स्टॉक के नाम डाल दिए। तो ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक को एक बार सिलेक्ट कर दिया तो 2 4 दिन तो वही रहेंगे पूरे वीक में, मोस्ट प्रोबेबली वो चेंज नहीं होंगे ज्यादा करके। डेली में स्ट्रांग है तो ठीक है, एक बार वो सिलेक्शन हमें मिल गया तो हमें बस देखना है कि लास्ट वीक का हाई आवरली में ब्रेक हो रहा है। अभी आवरली कैंडल जो है ना मुकेश जी, वो दिन में 5 या 6 ही बनती है। तो आपको बार बार मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी 10:30 11:30, आपने एक बार देखा 5 6 स्टॉक है आवरली में ब्रेकआउट हो गया है और एक आध कैंडल बन गया है, बहुत दूर नहीं बना है, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है स्टॉप लॉस डाल के, जो मैं कल जीटीटी ऑर्डर भी दिखा दूंगा। ऑर्डर डाल और टारगेट चाहिए तो टारगेट लगा देना और भूल जाना। ऐसा हमें पहले 20 ट्रेड करने। स्विंग की सिस्टम बहुत अच्छी चलती है, एक बार उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, सिस्टमेटिक बन जाए, तो फिर उसमें और थोड़ा सा बेहतर करेंगे और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या करें। ओके ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, और किसी का हाथ ऊपर था? रानी जी का। सर रानी जी स्विंग बोलिए। के लिए जैसे अपन, हाँ स्विंग के लिए ले, हेलो आवाज आ रही है वाह, आ सर? रही आ रही आ रही आ रही। स्विंग के लिए लेंगे तो उसमें जैसे कल पीसीबीएल का दिया था तो सर वो कल 2 दिन से तो डाउन ही चल रहा है, तो उसको कैसे क्या, मतलब कभी डाउन भी होता है कभी ऊपर भी जाता है, ऐसे ही रखना है, कैसे रखना है सर? नहीं, स्टॉप लॉस आएगा तो छोड़ देना है। पीसीबीएल क्या? मैंने नहीं देखा, मैं देख लेता हूँ, आप भी देख लेते, अभी देख लेता हूँ। मैंने तो देखा नहीं फ्रेंकली, तो मुझे पता नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ। क्या है यार, कहाँ से है? पीसीबीएल बोले ना, पीसीबीएल, पीसीबीएल ठीक है। डेली में 10 और 20 के ऊपर है डेली के 10 20 के ऊपर है, ठीक है। तो वीकली में देखना है लास्ट वीक का हाई। लास्ट वीक का हाई कौन सा है? लास्ट वीक का हाई ये है, तो ये ब्रेकआउट होके फेक आउट हो गया, इसका मतलब स्टॉप लॉस शायद लगा होगा। अगर आपने ट्रेड ले आया, सपोज आपने ट्रेड लिया है, सपोज आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया है, ठीक है ना, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। हाँ आप, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, पहले तो डेली में देखेंगे, ठीक है ना। डेली में स्ट्रांग है, राइट, डेली में स्ट्रांग है तो वो आपके सिलेक्शन में था, करेक्ट है। उसके बाद में वीकली में, ये वीकली का हाई ब्रेक हो गया आवरली में, तो आपने शायद यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया होगा। आपने ट्रेड लिया था हाँ सर, परसों लिया था 200 पे मैंने। क्या दो सौ था पे ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया था? इसके सर? नीचे मैं लगाया था, इसके नीचे? ठीक टॉप लॉस नहीं लगाया सर मैंने, वो है सही, याद ही, आपने मतलब बहुत पता ही नहीं कि अच्छा। टॉप लॉस भी लगता है इसमें। नहीं लगता है ना, आपने डिसाइड तो किया होगा ना, स्टॉप लॉस नहीं है तब तक आप क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे? स्टॉप लॉस डिसाइड तो किया होगा।
100 रुपए के समथिंग मुझे देना था, पर 120 आज हो गया था, फिर मैंने नहीं रखा तो रख दिया है, मैंने 81 रुपए का नुकसान है अभी। 5,000 का ही लिया था सर, ज्यादा ट्रेड नहीं थे मेरे, 25 ट्रेड है, 25 शेयर है ये। एक मिनट, तो आपने 200 पे एंट्री किया, 25 क्वांटिटी लिया था, हाँ सर, मेनी चीज है ना। आप कभी भी कोई भी ट्रेड लोगे ना, कोई भी ट्रेड, कोई भी इक्विटी करो, इंट्राडे करो, स्विंग करो, पोजिशन करो, ऑप्शन करो, जब आप एंट्री करोगे ना, एंट्री ट्रेडर की निशानी है। अच्छे ट्रेडर तो बाद में रहेगा, ट्रेडर की निशानी है कि वो एंटर करने से बोलेगा कि मेरा एग्जिट कहाँ है। उसको एग्जिट नहीं पता तो एंटर नहीं कर सकता, नहीं तो वो अभिमन्यु हो जाएगा ना उसका। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गलत हो तो कहाँ पे निकलोगे। हाँ, टारगेट साइड ठीक है कि आप बोल सकते हो कि मुझे अगर भगवान ने बहुत कुछ दे दिया तो चलो, पर अप्रोक्सीमेट आप कुछ तो होना चाहिए कि मिनिमम 2-to-1 लेना है। बट एग्जिट के टाइम तो आपका स्पॉट, क्लियर कट स्पॉट होना चाहिए कि ये स्पॉट पे मैं निकलूंगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो ना, यहाँ पे कहीं आपने को एंट्री किया है, तो आपका एक तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये ऑब्वियसली ये कैंडल के नीचे, या तो फिर यहाँ पे होगा। ये अगर यहाँ पे है तो शायद कट भी हो गया, नहीं चला ट्रेड, और यहाँ पे है तो अभी तक इंटेक्ट है। अगर यहाँ पे है आपका स्टॉप लॉस ना, तो 6 रुपया है और आपका कैपिटल है सपोज 10,000, तो 100 डिवाइडेड बाय 6, 5,000 सर, 5,000 का लिया मैंने। 5,000 का हाँ कैपिटल है, तो 50 डिवाइडेड बाय 6 तो 8 हो गया। 8 स्टॉक आप ले सकते हो, राइट, 8 स्टॉक आप ले सकते हो। और अगर आपका ये है स्टॉप लॉस तो 8 रुपया हो गया, तो 6 स्टॉप लॉस 6 ले सकते हो। अगर ये है तो 6 ले सकते हो, ये है तो 8 ले सकते हो। तो आपको लेना है, और स्टॉप लॉस तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ट्रेडिंग नहीं होता। सर स्विंग में क्या परसेंट देंगे? इसमें भी है, 100, 1 ही परसेंट देंगे स्विंग में भी? हाँ, कभी भी 1 ही% देना है ना मार्केट को, मार्केट को 1 ही% देना है, ठीक है मार्केट को एक सर, ही थैंक परसेंट यू, देना है। बस यही पता नहीं था कि कितना परसेंट नहीं, देते देखो हैं। जैसे मैं, नहीं 1% का रूल सब है। जैसे अभी एक मैं आपको एक जस्ट लास्ट दिखा रहा हूँ, ये डीएलएफ, ठीक है ना, डीएलएफ है, ट्रेंडिंग में है, डेली में है। तो आपने, जैसे मैंने एक किसी को इंट्राडे दिया था आज, तो इंट्राडे की बात, इंट्राडे सिखाया था सुबह पर्सनल 1-to-1 में। तो आवरली में अगर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, आवरली में अगर ये ब्रेक हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सेकंड कैंडल में एंट्री लेनी है, नीचे स्टॉप लॉस, और ये ट्रेड चालू है आपका, ये ट्रेड चालू है आपका स्विंग का, ये वीकली हाई ब्रेक किया है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अभी अभी नहीं लेना, अभी जब नहीं करना है, दूर निकल गया अभी, तो आप ये एरिया में अगर आएगा, यहाँ से अगर रिवर्सल ले रहा है कल, तो आप ले सकते। क्वेश्चन, जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे नीचे आएगा तो वापस लेने के लिए है, पर जो या जो इधर जो यहाँ सेकंड कैंडल में गया तो उसका टारगेट हिट हो गया, मतलब टारगेट हो गया। नहीं, डिपेंड करेगा ना कि अभी इसने अगर ये सेकंड कैंडल में यहाँ खरीदा है तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, टारगेट कहाँ से होगा, टारगेट तो बहुत दूर है, टारगेट तो जैसे तो बहुत वापस दूर है। आएगा तो फिर वो, जैसे आप वापस आएगा वापस तो आने का बोल रहे, स्टॉप लॉस वापस आएगा यहाँ है तो ना, स्टॉप लॉस यहाँ है ना आपका। अच्छा, अगर वापस आया तो जब तक टॉप लॉस लगता नहीं तब तक घबराना नहीं है। ये ब्रेकआउट होता है या तो फिर ये रिवर्सल होता है। एक तो आप यहाँ ले सकते हो या ये घूमने के बाद ले सकते, तीसरा कुछ चीज नहीं होता है, एक तो ब्रेकआउट या तो फिर रिवर्सल। आपने यहाँ लिया है, ये स्टॉप लॉस है, तो आपका टारगेट यहाँ पे है। आपने यहाँ लिया, ये स्टॉप लॉस है, तो भी आपका टारगेट ऊपर ही है।
तो आपको एक तो ब्रेकआउट पे लेना है या तो रिवर्सल पे लेना है। अभी आप ऑलरेडी यहाँ पे हो तो आप ऊपर हो ना, तो आपको ये नीचे जाके घूमने के बाद ही ले सकते हो। ठीक ये है लेवल के सर, थैंक पास, यू। ये लेवल के पास लेना इम्पोर्टेंट है ना, तभी तो आप स्टॉप लॉस छुपा सकोगे। अगर हम यहाँ पे लेंगे तो हमारा रिवॉर्ड और टारगेट तो कितना बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है ना? ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर ओके ओके। एक छोटा क्वेश्चन है मेरा, तो हाँ गोपाल जी, वो जो माइंड सेट डायरी और जर्नल आप बना रहे हैं ना, उसमें एक कॉलम में आप वो फोटो डालते हैं, वो मुझे नहीं आ रहा है कैसे करने का। मैं दिखा देता हूँ अभी सर, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या करना है, जैसे कि आप ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ मैं, या इन्वेस्टिंग या जो भी है, ये ट्रेडिंग व्यू है, आपको मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा शायद। फर्स्ट सी द स्क्रीन। सपोज मुझे ये फोटो डालना है, डीएलएफ का 5 मिनट का फोटो डालना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फोटो फोटो क्लिक कर रहा हूँ, सेव चार्ट, ये सब में होता है, यानी इन्वेस्टिंग में भी होता है एक सेव काम, चार्ट। एक सेकंड आई कुडंट सी वन। यहाँ पे एक ये चला जाएगा, ये एक सिंबल है, ट्रेडिंग व्यू में भी है, फोटो का सिंबल है, यहाँ पे कैमरा का सिंबल है, अच्छा हाँ हाँ कैमरा का सिंबल है, हाँ ओके क्लिक किया ना तो सेव चार्ट बोलता है, ये लिंक भी दे देता है, कॉपी लिंक भी बोल देता है। ये ओके कॉपी लिंक भी करोगे तो भी चलेगा, या सेव चार्ट करोगे तो भी चलेगा। ये क्लिक, अगर कॉपी लिंक करते हो तो डायरेक्टली एक्सेल में जाके आपको डायरेक्टली वो कॉपी लिंक कॉपी कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अच्छा एक्सेल के बजाय अगर गूगल शीट्स पे कहीं जाएंगे तो भी हो कहीं जाएगा। कहीं पे भी कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो वहां पे चला जाएगा। ओके राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। बस मुझे भी नहीं पता है सर, कैसे कैसे थोड़ा सा बताएंगे, मुझे भी थोड़ा सा जानना था कैसे नहीं, शेप करते हैं। दिखाता हूँ वापस। नहीं कुछ नहीं, ये फोटो है ना, एक तो आप फोटो हाँ निकाल के डाउनलोड कर सकते हो इमेज, एक चांस है। दूसरा अच्छा आप ये कॉपी लिंक कर सकते हो, कॉपी लिंक टू द चार्ट, हाँ ठीक है? तो ये चार्ट आपने कॉपी किया, पर इसमें क्या होता है ना, ये आप फोटो गोपाल जी, ये फोटो जब आप, अरे बाकी लोग आवाज बंद रखो यार, एक मिनट मुझे आवाज बंद करना पड़ेगा, सभी लोग बात करेंगे। इसमें दो मेथड है, एक मेथड है कि आप जैसे यहाँ पे हो ट्रेडिंग व्यू में हो, अभी पहले मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ इसको, यहाँ पे हो आप, एक तो इसको कॉपी लिंक कर सकते हो ना, कॉपी लिंक टू द चार्ट इमेज, और ये आप कोई भी आपका एक्सेल फाइल है, वो एक्सेल फाइल में आपको जहां भी जाना है आप कंट्रोल वी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो आपका ये लिंक यहाँ पे आ गया, आप क्लिक करोगे तो ओपन होगा, एक हो गया। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें, हाँ करेंगे ना प्रशांत जी, करेंगे ना। इसमें क्या होगा कि अगर आपने ये चेंज कर दिया तो हो सकता है कि प्रॉब्लम, मैं कैसे करता हूँ कि मैं सेव चार्ट इमेज कर लेता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा सिंपल है कि मेरे पास वो चार्ट हमेशा रहेगा, तो मैंने ये चार्ट इमेज सेव कर दिया डीएलएफ का, ठीक है? डीएलएफ का चार्ट इमेज मेरे पास सेव हो गया, तो मैंने यहाँ पे डी कोलन में एक फोल्डर बनाया डेटा, ठीक है? और यहाँ पे वो इमेज मैंने सेव कर दिया डीएलएफ का, डी कोलन में ये इमेज सेव कर दिया। अभी मैंने इसका जो भी क्या डी कोलन डेटा, डी कोलन स्लैश डेटा, ये ठीक है, ये हो गया डी कोलन डेटा मेरे, राइट? अभी मैं जाऊंगा मेरे एक्सेल फाइल में, और सपोज यहाँ पे डीएलएफ का मैंने एक ट्रेड ले लिया और मुझे यहाँ पे डीएलएफ का इमेज स्टोर करना है, तो मैं डालूंगा डीएलएफ, जो भी है नाम डालूंगा, जो भी करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आई विल गो एंड आई विल पुट द इमेज लिंक, लिंक पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे लिंक करके आइटम आता है, लिंक दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? यस।
लिंक, लिंक पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आई विल एबल टू गो टू द डी ड्राइव, डी ड्राइव डेटा, इसका मैंने वीडियो डाला है, सुमन सीए जो है हमारे, उन्होंने पूछा था तो उनको और ग्रुप में मैंने डाला है ये वीडियो, आज का वीडियो वापस हो जाएगा और एक, ठीक है। तो ये मैंने ये डी लेफ डाला तो ये आ गया यहाँ। जब भी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये, जब भी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये इमेज खुलेगा, चार्ट को कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन दिखा, मैंने ट्राई नहीं किया है, वहां पे मैंने देखा अभी कि वहां पे एक और एक ऑप्शन है कि कॉपी चार्ट इमेज, कॉपी चार्ट इमेज, तो ये वर्ड में यूज होगा मेरे हिसाब से। आप वर्ड फाइल ओपन करोगे, आप वर्ड फाइल ओपन करोगे, ठीक है, आप एक वर्ड फाइल ओपन करोगे और उसमें आप पेस्ट करोगे, उसमें इसमें ये फायदा होगा, वहां पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे वर्ड फाइल में। ठीक है, क्लियर है गोपाल जी, भूपेंद्र जी, गोपाल जी, क्लियर है? सर मैं ट्राई करूंगा, इनकेस नहीं होगा तो आई विल आस्क यू अगेन। या बेसिकली तीन टाइप है। मुझे पता नहीं कॉपी पेस्ट के बारे में सुना था। एक लड़का मेरे से, मतलब जैसे मैं मतलब कंपनी में, तो कोई चीज का वो फोन में बताया था कि ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसा होता है, कर सकते हैं कि नहीं, एक वो इसमें मैंने ये पहली पूछा। चीज है, मैं एक बार लास्ट फटाफट दिखा देता हूँ। एक तो इसमें पहले इमेज स्टोर करो जहाँ पे आपको हाँ स्टोर सेव करना है, कर, ठीक है, उसको बाद में जो भी फोल्डर डालना है उसको फोल्डर में डालो फटाफट, फोल्डर में डालो, जो भी फोल्डर में डालना है फोल्डर में डालो, उसके बाद एक्सेल फाइल में जाओ, एक्सेल फाइल में जाओ और आप कोई भी चीज़ लिखो यहाँ पे, जैसे चार्ट लिखो, जो भी लिखना है लिखो, उसको राइट क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो, आप वो जो फोल्डर जहाँ पे स्टोर किया आपने, जैसे अभी मैंने शो अच्छा फोल्डर में स्टोर किया है, शो फोल्डर में स्टोर किया था अभी, यहाँ पे जो भी इमेज जहाँ पे डाला रहेगा वो इमेज को सिलेक्ट करो तो ये यहाँ पे दिख जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो इमेज को सिलेक्ट करोगे अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा वो इमेज, पहली चीज हो गई, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी चीज हो गई, दूसरी स्टाइल है कि आप क्या कर सकते हो कि आप, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आप कॉपी चार्ट इमेज करोगे, उसके बाद में आप वर्ड में चले जाओगे और वर्ड में पेस्ट कर दोगे तो पेस्ट हो जाएगा। तीसरी चीज है कि आप यहाँ पे एक कॉपी लिंक टू द चार्ट, लिंक कॉपी करोगे, बट ये लिंक मेरे हिसाब से ये चार्ट जैसे चेंज हो गया, वो चेंज हो जाएगी, वो दिक्कत है मुझे। कालच घेऊन गेले ना भगत, कालच घेऊन गेले रे बाबा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको तीसरी चीज दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, हाँ, इसमें आपको कॉपी लिंक टू द चार्ट एटम किया आपने, कॉपी किया, उसके बाद आप डायरेक्टली जाके एक्सेल फाइल में जहां पे भी डालना है आप पेस्ट कर सकते हो। सिर्फ इसमें दिक्कत इतना ही है कि अगर आपने, शायद ये पुराना आ रहा है या नया आ रहा है चार्ट, वो देखना पड़ेगा मुझे, नहीं पुराना पुराना ही आ रहा है, ठीक है सर, तो ये भी चलेगा, ये भी बहुत सिंपल है। आप ये सबसे सिंपल रहेगा फिर कि आप बस एक काम करो कि आपको जब भी फोटो भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है कि आप जब भी करना चाहते हो
अपस्टॉक कहाँ पे है यार, इतनी चीजें ओपन है ना, मैं पागल हो जाता। अपस्टॉक यहाँ पे, आपको जब भी करना है आप बस कॉपी लिंक टू चार्ट आइटम पे क्लिक करो, क्या करो, आल्ट एस, आल्ट और एस बटन दबाओ, आल्ट और एस बटन दबाओ, इसको क्लिक करो और एक्सेल फाइल में जाके जहां पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट कर दो, खत्म हो गई कहानी, ये परमानेंटली यहाँ पे हो जाएगा। ओके गॉट इट, ये आपका परमानेंट हो गया। सर मैं ना एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, शेर खान का है, ट्रेड ट्रेड टाइगर .com। तो वो सॉफ्टवेयर में वो बटन नहीं दिख रहा है कैमरा का। प्रिंट स्क्रीन मारो, फिर प्रिंट स्क्रीन मारो ना, सिंपल, आपको जो भी दिख रहा है ना, कभी भी आपने लैपटॉप पीसी पे प्रिंट का, प्रिंट स्क्रीन करके बटन रहता है PRTSC, वो बटन हाँ क्लिक करोगे, वो बटन ओके क्लिक करोगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन आ जाता है मोस्ट ऑफ द नए विंडोज में। ओके इन केस नहीं आ रहा है तो उससे भी सिंपल है कि आप उसको एक पेंट ब्रश ओपन करना है, जैसे मैंने अभी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, चलो प्रिंट स्क्रीन दबाया मैंने, उसके हाँ बाद में मैं गया न्यू और बिट मैप इमेज, मैंने बिट मैप इमेज खोली, ओपन विथ पेंट किया और मैंने जो भी मैंने, जैसे अभी मैंने सपोज इस समय प्रिंट स्क्रीन मारा तो यहाँ पे वो, ये विंडोज में थोड़ा सा चेंज है अभी, प्रिंट स्क्रीन अगर मारा, ड्रॉ शेप टू क्रिएट, ओके, तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा, जो भी आप प्रिंट स्क्रीन करोगे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, इसको आपको फिर सेव कर देना है, जो भी इमेज का नाम देके सेव कर देना। मतलब डाउनलोड में सेव होगा कि नहीं आप फोल्डर में जहाँ सेव कहीं? करना चाहोगे ना, जहाँ सेव करना ओके चाहोगे, ओके ये आपके ब्लैंक फाइल में आ जाएगा, फिर आपको ये फाइल जहाँ सेव करनी है आप सेव कर दो, अच्छा एक फोल्डर बना के उसमें सेव करते जाओ, तो वैसे भी कर सकते हो, प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना है, पेंट ब्रश में उसको डालना है, फिर जहाँ सेव करना है सेव कर देना, ये प्रिंट स्क्रीन दबाने से स्निपिंग टूल खुल जाता है। प्रिंट, एग्जैक्टली एग्जैक्ट। ओके तो स्निपिंग टूल स्वीपिंग टूल में सिलेक्ट सिर्फ हेयर। आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आता है हाँ इस तरह से, तो आपको ये जनरली मैं ये फुल स्क्रीन मोड दबा देता हूँ, तो फिर आपके मेमोरी में कॉपी हो गया, अब एक बार मेमोरी में कॉपी हो गया तो आप पेंट ब्रश ओपन करके उसमें न्यू इमेज करके इसमें पेस्ट कर दोगे, तो यहाँ पे आ गया, फिर आपको सेव एज कर देना है पेंट ब्रश, पेंट में, पेंट तो सब में होता है ना, सब लैपटॉप में होता है, पीसी में, सर ये सब मेरे लिए विंडोज। बाउंसर बाउंसर हो रहा है, मेरा नॉलेज बहुत कम है। मुझे लगता है स्नीपिंग टूल में और भी कोई ऑप्शन रहेगा, मैंने ये, आपने ये कर दिया अभी, यहाँ पे क्या दिया है देखो, विंडोज मोड, फ्री फॉर्म, रेक्टेंगुलर मोड, फुल स्क्रीन, बेसिकली आपके मेमोरी में आ गया है, आपके मेमोरी में यानी हाँ रैम के अंदर आपका इमेज आ गया, अभी आपको कहीं पे तो वो पेस्ट तो करना पड़ेगा ना, करेक्ट, बाकी कुछ नहीं, तो पेस्ट देखते हैं वर्ड में होता है क्या, मुझे पता नहीं वर्ड में होता है क्या, डायरेक्टली देखो वर्ड में हो गया, सर ये कंट्रोल वी मारेंगे तो पेस्ट हो जाएगा वर्ड में। हेलो सर, ये हाँ बोलिए, पिक मतलब जो भी फोटो खींचेंगे किसके लिए खींचेंगे, मतलब क्या काम के लिए रहेगा ये पता नहीं है। रानी जी फोटो निकालते हैं ना हम, ग्राफ का फोटो नहीं निकालते, तो इसको ग्राफ का क्यों क्यों फोटो तो निकालते हैं ना। सर, मतलब बाद में देखने के लिए या ऐसी जनरल के हाँ हाँ लिए? हाँ बाद में देखने के लिए, और क्या, समझने के लिए कि कहाँ एंट्री लिया, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस लगाया, कहाँ टारगेट है, हमने क्या गलती किया, क्या सिलेक्शन सही था गलत था, ये सब समझने के लिए फोटो तो निकालना पड़ेगा ना, फोटो के बिना कैसे चलेगा, जर्नल में फोटो तो चाहिए ना कि हमने क्या किया क्या सर नहीं किया कब से। सर क्रोम के अलावा दूसरा एक प्लेटफॉर्म रहता है फायरफॉक्स। सब में होता है सर ऐसा, कुछ अच्छा तो ऐसा कोई नहीं, वो तो विंडोज का ओके फंक्शन है ना सर, सर, कोई भी यूज करो उसमें कोई फर्क, ब्राउजर कोई भी, ओपेरा यूज करो,
एज यूज करो, फायरफॉक्स यूज करो, क्रोम। तो उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो फ्री होता है। आपको बहुत ट्रबल कर रहा हूँ मैं सर, सॉरी। नहीं 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 ऐसा कोई नहीं, कोई कोई इशू नहीं सर। ये सारी चीजें किसको पता रहती है ना, वो तो अभी कंप्यूटर वाला हूँ इसके लिए पता है, नए लोगों को नहीं पता होती है उसमें क्या। मैं तो अभी ये जैसे अभी इसमें ये तो आप बार चार्ट देख रहे हो, मैंने जब 2009 में चालू किया तो मैं 4 महीने यही यूज करता था। मुझे वो बार चार्ट देखने को ही कैसे तो होता था, तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे जबरदस्ती ये बोला ये देखना है तुझे कुछ भी करके, तो ये 4 महीना मुझे लगा यहाँ पहुंचने। तो ऐसे कुछ नहीं, वो तो लर्निंग कर्व होती है ना, हमें आसान लगता है क्योंकि हम करके, दूसरे के सामने वाले को तो वो नहीं लगेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक मिलते यू हैं, सो मच। कल मिलते हैं। यस सर, यार थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, थैंक यू, चल गुड बाय।